हाय दोस्तों, शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 7 बजे हैं और देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, पहाड़ियाँ और ये देखो बीच में धुंध, कितना अच्छा लग रहा है। मौसम बहुत ही सुहावना लग रहा है और ये देखिए अभी चांद भी जो है वो दिख रहा है और अभी साफ़ हो गया है मौसम। वैसे बहुत ही सुंदर नज़ारा लग रहा है, देखिए अब जो है हम खेत जा रहे हैं। ये भाई का लड़का साथ ही दौड़ा रहता है तो ये भी मेरे साथ गया। भाई देख लेते हैं, अब गेहूं जो है वो काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है और ये किसी जानवर ने ना खा ली है। बीच बीच में देखिए आपको दिख रहा होगा, तो ये किसी जानवर ने, छोटे जानवर ने इसको खा लिया है। हमने वो भी लगाए थे जो खरगोशों को डराने के लिए, जैसे ये लगाई है बोरी जैसी, वैसे लगाए थे हमने, बट बीच में पता नहीं अब खा ली है किसी चीज, किसी पशु ने। तो चलो करते हैं इसका भी कुछ। और ये देखिए 3-4 दिनों बाद जो है सूरज दिखा, तो सूरज निकल रहा था पहाड़ियों के बीच में, कितना सुंदर लग रहा है। तो जैसे ही धरती पे किरणें पड़ी ना सूरज की, बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो मैंने ये भी दिखा दिया आपको दृश्य। बहुत अच्छा लग रहा था दोस्तों, शायद आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा, तो आप देख पा रहे हैं ना कितना अच्छा लग रहा था। और ये देखिए सामने पहाड़ियाँ हैं ना, ये पहाड़ियों पे जो है वो ऊंची ऊंची जो भी पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे जो बर्फ़ पड़ चुकी है, बर्फ़ पड़ी है तभी शायद यहाँ पे जो है वो आज मौसम साफ लग रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने को। ये देखिए उपले कितने अच्छे से बना रखे हैं, बड़े बड़े उपले और साफ़ सुथरे। उपलों का मैंने बताया था ना आपको कि कितना वो यूज़फुल है हमारे लिए, बहुत ही यूज़फुल है, तो हम सभी यूज़ करते हैं, जितने भी गांव के इंसान हैं वो सभी यूज़ करते हैं। गुड मॉर्निंग, शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मुझे ना पैदल जाना पड़ रहा है, ये देखिए मैं पैदल जा रहा हूँ, और क्योंकि ना आज जो पिछली रात को ना बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैं बाइक को ले जाना उचित नहीं समझा और मैं आ गया सीधा, एक गाड़ी मिल गई थी मुझे तो उसमें आ गया था मैं। अभी पैदल जा रहा हूँ अपनी शॉप को और सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें। तो आज देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या है, और पैदल रास्ते भी दिखा रहा हूँ और नई नई जगह भी दिखा रहा हूँ जो बाइक पे नहीं दिखा सकता था, तो आज पैदल मार्च हुआ तो दिखा रहा हूँ आपको। आइए देखते हैं। ये देखिए भेड़ बकरियाँ जो हैं वो बहुत अच्छा लग रहा था। एक्चुअली ये पिछले कल ही यहाँ से गुजरी तो मैंने इनकी भी वीडियो बना ली थोड़ी सी क्लिप। देखो कितनी एक तार में चली है ये सारी, और जो ये भेड़ की ऊन होती है ना ये बहुत ही यूज़फुल होती है पहाड़ी इलाकों में। ये जो इनकी ऊन होती है ना, इसके जो ऊनी कपड़े बनते हैं, बहुत गर्म होते हैं वो, जो बाहर रहते हैं ना पहाड़ों पे ही रहते हैं और बर्फीले इलाके में रहते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी होती है इन ऊनी कपड़े, बहुत ही गर्म होते हैं। और देखिए कितने अच्छे से चले हैं ये जानवर, भी कितने अक्लमंद होते हैं, बहुत अच्छा लग रहा था, शायद आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। आज मुझे मौका मिल गया
और मैंने मौके का फ़ायदा उठा लिया, मैं पैदल जा रहा हूँ ना, तो आप अपने दोस्तों को मैं ये जगहें बताने जा रहा हूँ। ये इसका मुझे मौका नहीं मिलता अगर मैं आज पैदल नहीं आता तो। देखिए ये ऐसे रास्ते होते हैं हमारे यहाँ ऊबड़ खाबड़, और देखिए कितने मेहनती लोग होते हैं यहाँ के, और ठंड में ही जो है वो कपड़े धो दिए इन्होंने। अभी सुबह का ही टाइम है, 9 बजे का टाइम होगा शायद, तो ये धो रहे थे। मैंने ऐसे ही जो इनकी है वीडियो बना ली एक छोटी सी। देखिए कितना बहुत ही अच्छा लग रहा है ना ये भी, ये जगह, ये देखिए अभी मकान बन रहा है ये किसी का इनका। और ये देखिए ये हमारे MLA ठाकुर रामलाल जी का मकान है यहाँ पे। और ये देखिए पार्क, कितनी अच्छे से पहाड़ियाँ दिख रही है और साफ़ सुथरी दिख रही है, और पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ा है ये भी देख पा रहे होंगे आप शायद। यहाँ से काफ़ी दूर है लेकिन जब यहाँ पे ना बर्फ़ पड़ेगी तो ज़रूर दिखाऊंगा आपको। और ये देखिए खेत कितने हरे भरे और साफ़ सुथरे लग रहे हैं ना, बहुत अच्छा लग रहा था। और आप ऐसे ही बने रहें दोस्तों। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है मेरी कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप लोगों की जो सपोर्ट है वो दोगुनी मिल जाए। प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। ये देखिए ये मैं दिखा रहा था आप लोगों को कि ऐसे रास्ते होते हैं हमारे यहाँ, उतार चढ़ाव वाले सारे रास्ते ऐसे ही होते हैं। तो ये देखिए अब जो है NH के पास पहुँच गए हम, और यहाँ से एक लिंक ऊपर को कटा और नीचे वाला जो रोड है वो NH है। आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं, दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ, और मेरी वीडियो फुल वॉच करते हैं, दिल से बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ आप लोगों की, और आगे भी ऐसा ही मेरा साथ देते रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके आते हैं।
भाई।